नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मैनपुरी में नाबालिग बेटी की बरामदी को लेकर शुक्रवार को सुबह एक महिला परिजन के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, खुद पर मिट्टी का तेल डाल दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तभी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से तेल की बोतल छीन ली। पूरा मामला बताते चले कि थाना ओझा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शुक्रवार की सुबह अपने परिजन के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। कार्यालय के बाहर उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर एसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी भागते हुए बाहर आए और महिला के हाथ से तेल की बोतल छीन ली और महिला की जान बचा ली। आपको बता दें, मैनपुरी की खबर है, जहां पे एसपी ऑफिस के सामने एक महिला ने मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर एसपी कार्यालय में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने महिला के हाथ से तेल की बोतल छीन ली और महिला की जान बचाई। आपको बता दें कि मैनपुरी में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। मैनपुरी में नाबालिग बेटी की बरामदी को लेकर शुक्रवार की सुबह एक महिला परिजन के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जिसके बाद न्याय न मिलने से नाराज महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मैनपुरी की घटना सामने आई है, जहां पे महिला ने न्याय न मिलने की वजह से आत्मदाह की कोशिश करी। फिलहाल वहां पे तैनात पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से तेल की बोतल छीन ली और पूरा मामला बताते चले कि ओझा क्षेत्र की रहने वाली यह महिला शुक्रवार को सुबह अपने परिजन के साथ एसपी कार्यालय पहुंची थी। महिला का आरोप है कि नाबालिग पुत्री की बरामदी को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर महिला ने यह कदम उठाया। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश कुमार जुड़ चुके हैं। योगी जी, वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, क्या मामला है पूरा? दीक्षा जी, मैं आपको बता दूं, ओझा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर की ये पूरा पीड़ित परिवार है। 13 साल की नाबालिग जो बेटी है, लगभग 8 महीने से लापता है। 2 महीने पहले भी एसपी ऑफिस पर आने के बाद डीजल डाल लिया था। इसके बाद परिजनों को आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंतराल में आपकी बेटी को बरामद कर देंगे, मगर पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आज फिर वही घटना दोहराई गई है। इसके बाद अब पीड़िता ने चाहती आरोपियों, जो मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। फिलहाल पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। मैन मुकेश, ये अपहरण की जो घटना है वो 8 महीने पुरानी की है, तो 8 महीने से महिला थाने के चक्कर लगा रही है, लगातार थाने के चक्कर लगा रही है। उसके बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई उसको आश्वासन नहीं मिला है, तो अभी पुलिस ने उसके बाद क्या कार्रवाई करने का आदेश दिया है? अभी सीटीओ ने, संतोष कुमार सिंह ने, पूरे मामले को संज्ञान लिया है। आने के बाद उस महिला से लगातार, अभी 1 घंटे से ऊपर का समय बीत गया, उससे बात हो रही है लगातार, उसके सभी परिजनों से अलग अलग पहलुओं पे बात की जा रही है और उससे आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द उसकी बेटी बरामद की जाएगी और जो मुख्य आरोपी है उसको भी जेल भेजने का काम करेगी पुलिस। मुकेश, महिला की स्थिति अभी कैसी है? महिला की स्थिति थोड़ा सा, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मगर यह यही एसपी ऑफिस में बैठाया गया, महिला पुलिसकर्मी उसकी निगरानी के लिए बैठाई गई हैं। मुकेश, लगातार पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया, लगातार महिला 8 महीने से चक्कर लगा रही है, उसको आश्वासन दिया गया, लेकिन आज उसने जो कदम उठाया है उसको लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है? पुलिस ने थाना अध्यक्ष को यहाँ पर बुला लिया है। ओझा थाना अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच गए हैं और भी एक सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस, समस्त क्षेत्रीय जो भी पुलिस हो सकती है उसने प्रयास कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो ओझा इंस्पेक्टर हैं उनसे लगातार सीओ सिटी संवाद कर रहे हैं और तत्काल उसको आश्वासन यहाँ से मिलने के बाद ही महिला यहाँ से जाएगी। मुकेश, ये पुलिस को लेकर जो इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, 8 महीने से महिला चक्कर लगा रही थी स्टेशन के, लेकिन उसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या महिला ने पुलिस पर भी
आरोप लगाया है मिलीभगत का? जी आपको बता दें, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सबसे पहले वहां जाके नखलऊ शिकायत की थी, उसके बाद थाने पर की, थाने से एसपी ऑफिस भी कई बार चक्कर लगा चुकी। दूसरी बार ये घटना डीजल डालने की गई है। महिला इतनी परेशान है कि कभी भी कहीं अपने आप के आत्मदाह कर सकती है, और पुलिस को ये चेतावनी भी दे रही है, और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसकी बेटी बरामद की जाए। मुकेश जुड़े रहेगा इस खबर पे हमारे साथ। अभी हमारे साथ संतोष कुमार सीओ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। सीओ जी, संतोष जी आपसे जानना चाहूंगी सर कि आखिर जनता को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? 8 महीने से वो महिला लगातार चक्कर लगा रही थी, लेकिन आखिर उसको न्याय क्यों नहीं मिल पाया? 17/9/22 को केस लिखा गया था, 17/9/22 को जो है 31/8 की घटना है, 31/8 की घटना है ये। यहाँ पे फैमिली पूरी बैठी हुई है, और इनपे निरंतर जो भी एसओ वहाँ पे रहे हैं, 3 SO बदले गए हैं वहाँ पे, 3 तीसरे SO हैं जो इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इनका DCRB पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद इनका किसी की शंका हुई उसका भी नाम आया, तो DCRB पूरी बदल ली जा रही है, सर्विलांस पूरी बदल ली जा रही है, जो भी लिस्टिंग पे नंबर है उसकी बदल ली जा रही है, और जगह जगह जहां भी इन्होंने बताया है वहां पे पुलिस ने दबिश भी दी है, उसमें एक लोगों को पुलिस ने पकड़ी भी है। इनका एक गांव के ही प्रवीण नाम के एक व्यक्ति पे बार बार कह रहे हैं कि शंका है, लेकिन उसको उसके संबंध में यह है कि जिस दिन लड़की भागी थी उसके एक दिन बाद प्रवीण की गाड़ी के माध्यम से ही कहीं जाने की बात हो रही थी कि प्रवीण गाड़ी लेके जाएंगे, तो वहां पे बात प्रवीण अपनी गाड़ी नहीं दी है, उसके बाद से ही उनसे विवाद हुआ है। अब प्रवीण की बात विषय में उनकी CTR निकाली गई है, CTR प्रवीण की गांव में ही है, गांव में ही वो उस दिन रहे हैं, उसकी बात भी गांव में रहे हैं, और प्रवीण कोई बात तो लड़की से नहीं हुई है, उस लड़की से जो बात हुई है, दो लड़के हैं जिनकी बात हुई है जिसमें विपिन और सौरभ की, तो विपिन को भी पुलिस ने बैठा रखी है, बात कर रही कि भाई आपका नंबर कैसे इनको मिला, कि IT से ही वो लड़की बात कर रही थी जो सिम मिला था, तो विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसमें। सर लगातार देखा जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये गरीब थी इसलिए उसको 8 महीने से चक्कर लगाने पड़े, इसलिए न्याय नहीं मिला, क्योंकि 8 महीने से लगातार महिला अपनी बेटी की मतलब जानकारी लेने के लिए आपके पास आ रही थी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यह है कि इससे पूरे जिले में कई लड़कियां भागी हैं, और हर थाने में हर 2-4 दिन में कोई लड़की मिल जाती है, कोई 2 महीने मिलती है, कोई 10 दिन मिल जाती है, कोई 5-4 महीने लग जाता है, निरंतर ऐसे केसों में पुलिस बहुत गंभीरता संज्ञान लेती है, और हर संभव मदद जो भी सर्विलांस की टीम हमारी है, साइबर की टीम है हमारी, और जो पुलिस टीम होती है निरंतर प्रयास करती रहती है इससे काम करने के लिए, और हर थाने में हर 2-4 दिन में कोई लड़की जो भागी रहती है मिल जाती है। अभी कोर्रा में था, लड़कियां भागी थी, 3 बड़े भागी थी, जयपुर से वो लाई गई हैं, और किसने से लाई गई हैं, जो भी लड़कियां रहती हैं, लेकिन यही एक केस ऐसा है बहुत पेचीदा बन गया हमारे लिए, कि जो सर भी सर के निर्देशन में निरंतर इस पर बात चल रही है, सर ने हर 2-4 दिन में इसको बुलाते थे, एसओ से बात करते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो निरंतर प्रयास भी जारी है इस पर तो काम भी हो रहा है। सर महिला 8 महीने से चक्कर लगा रही थी थाने के, 8 महीने में क्या कार्रवाई की गई? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये है कि सर महिला आरोप लगा रही है दबंगों का भी, और तीसरा सर पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है महिला के द्वारा। सर ये सर के निर्देशन में सबका इस पे दबिश दी जा रही है, और उस पे पूछताछ भी की जा रही है, तो जो भी एविडेंस मिलेगा उस पे निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? सर कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 महीने बीत चुके हैं सर। बिल्कुल, इससे जो पुलिस जितने भी एविडेंस मिल रही है पुलिस को उस पर पुलिस है, और हमको उम्मीद है कि जल्दी इस पर कार्रवाई, और सब सारे केस हमारे साल हो गए, बस यही एक बचा हुआ है कि जिसपे पुलिस लगी अभी बहुत मजबूती से कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है, एविडेंस जैसे ही हमको क्लू मिलता चला जाएगा सर जिसमें उससे काम होता जाएगा इसपे। सर दूसरा ये है कि मेरा क्वेश्चन कि लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं सर, 8 महीने इस मामले को हो गए सर, और बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जब वो चीज़ें ऐसी सामने आती हैं न्याय ना मिलने की वजह से गरीब ऐसे कदम उठाते हैं, तब जाके पुलिस उस चीज़ पे कार्रवाई करती है सर। मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि जिले में सिर्फ ये घटना ऐसी नहीं है, हर जिले में ऐसी घटना घट रही है, यहाँ भी कई घटनाएं ऐसी घटती हैं, और लड़कियां मिल भी जाती हैं, कोई मैं बता रहा हूँ कोई लड़की 10 दिन में मिल जाती है, कोई 2 महीने मिल जाती है, कोई 1 महीने मिल जाती है, बस यही घटना ऐसी है हमारे लिए जो अभी तक हम लोग कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन इससे पुलिस लगी हुई है और संभावना है कि इससे जल्दी कामयाबी मिलेगी हमको।
सर, हम इंडिया वॉइस के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी, मुकेश लगातार इस समय पे, अभी सर ने बताया कि इस पे कार्रवाई हो रही है, लगातार जल्दी ही इसका जल्दी से निवारण हो जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उसके बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई 8 महीने तक नहीं की गई। नहीं, पुलिस ने सीसीटीवी बताया कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया, मगर जो पुलिस की कॉलिंग जो है, जो लड़की को सिम जो दी गई थी जिन लड़कों ने, उनको पकड़ के पुलिस ने जेल भेजा है, यानी दो अरेस्ट होकर जेल भेजे हुए हैं। एक जो मुख्य आरोपी है जो घटनाक्रम का, जिससे इनका शक है, जो इनको दबंग आरोपी बता रही है, वो अरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। वही चाहती है कि या तो उनकी बेटी पहले बरामद कर दी जाए या वो आरोपी को जेल भेज दे पुलिस। मुकेश, महिला का आरोप है कि पुलिस भी इसमें मिलीभगत का आरोप लगा रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से दो या तीन से थाना अध्यक्ष वहां से तब से बदल चुके हैं, लगातार वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, और उनकी जो पुलिस की कार्यशैली, उस पर सवालिया भी निशान लगे हैं। मुकेश, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची आ गया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेता और परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इसके बाद जगन्नाथ महतो के शव को विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां विधानसभा के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर के बाद उनके शव को जीएम कार्यालय ले जाया गया। वहां भी श्रद्धांजलि सभा के बाद शव को बोकारो स्थित उनके पैतृक आवास के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि कल जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका शव है उनके पैतृक गांव लाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा परिसर में उनके शव को जेएम कार्यालय के बाहर लाया गया है, जहां भी श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके शव को पैतृक आवास के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का कल निधन हो गया था। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ का कल निधन हो गया था, जिस पर सीएम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनको लगातार बीमारी के चलते दिक्कतें हो रही थी। आपको बता दें कि आज उनका शव पैतृक आवास ले जाया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें, कल रांची में शिक्षा मंत्री का निधन हो गया, चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने उनको श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा के कई सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर के बाद उनके शव को जेएम कॉलेज कार्यालय ले जाया गया, वहां भी उन्हें श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके शव को पैतृक आवास के लिए भेजा गया। आपको बता दें, जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार आज 4:30 बजे किया जाएगा। इधर राज्य सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। अंतिम संस्कार में तमाम नेताओं के साथ साथ कई लोग शामिल होंगे। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार आज 4:30 बजे किया जाएगा, जिसमें सरकार के कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अंतिम संस्कार में तमाम नेताओं के साथ कई और लोग भी शामिल होंगे, जिसके लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनके पैतृक आवास के लिए रवाना कर दिया है उनका शव। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कल निधन हो गया, चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के साथ साथ कई नेताओं ने, परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ महतो के शव को विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, कल
चेन्नई में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर में उनके शव को रखा गया। वहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उनके पैतृक आवास के लिए शव को रवाना कर दिया गया है। जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार आज 4:30 बजे किया जाएगा। राज्य सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। अंतिम संस्कार में तमाम नेताओं के साथ साथ कई लोग शामिल होंगे। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार में तमाम नेताओं के साथ साथ कई लोग शामिल होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें, लंबे समय से शिक्षा मंत्री बीमार चल रहे थे। कल उन्होंने चेन्नई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। झारखंड के शिक्षा मंत्री का कल निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, आज 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक आवास पर, जिसमें राज्य सरकार के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, उनके जाने से राजनीति में झांसी की कितनी क्षति पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सिर्फ शिक्षा मंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते थे, खास करके पूरे समाज को लेकर के, पूरे राज्य को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और जिस तरीके से मंत्री पद मिलने के खास करके इस बार कई ऐसे काम कर रहे थे जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी की बेहतरी बात हो, 12 टीचरों की बेहतरी बात हो, और साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जो बात की उस पर उन्होंने कुछ काम करना शुरू कर दिया था। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जगन्नाथ महतो के जाने से राज्य को, समाज को और पूरे राजनीतिक जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जी राकेश, शाम तक उनके पैतृक आवास पर कई बड़े नेताओं कौन कौन शामिल होने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां जाने वाले हैं और वहां पहुंचेंगे ही, और इसके साथ साथ उनके सरकार में शामिल मंत्रीगण है, वे भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ कई विधायक की पार्टी के भी हैं, उसके सहयोगी हैं, और साथ साथ विपक्षी दल के नेताओं की भी बात है कि वे यहां पहुंचेंगे जरूर। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है अंत्येष्टि को लेकर के, उनके पैतृक आवास है बोकारो के पास, वहां उनको ले जाया जाएगा और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी राकेश, लगातार कई सामने आई थी कि खबर कि झारखंड के शिक्षा मंत्री को बड़ी दिक्कत, तो बीमार चल रहे थे, तो उनको किस तरह से दिक्कतें सामने आई थी? उनके इस बात पैतृक आवास में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि कोरोना का काल जिस समय था, उस समय जगन्नाथ महतो को कोरोना हुआ, उसके बाद से उनकी स्थिति जब ज्यादा खराब हो गई तब चेन्नई ले जाया गया, MGM अस्पताल में लंग ट्रांसप्लांट किया गया था, और ये जो उनकी जो चिकित्सा हुई थी लगभग, मुझे लगता है याद है कि देश में लगभग 1 या 2 ही ऐसी चीजें हुई थी जिसमें लंग ट्रांसप्लांट की घटना इस तरह के केस में की गई थी। तो ऐसे में काफी स्थिति को काबू किया गया, इसके बाद से उन्होंने कार्यकाल संभाला और दोबारा फिर से अब जाकर लगभग 1.5 साल के बाद से उनकी तबीयत जब बिगड़ी तो फिर से चेन्नई ले जाया गया MGM अस्पताल में, और तो देर रात की बात की जाए परसों की तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, उसके बाद से उनके सिस्टम थोड़ा काम करना बंद कर दिया, उसके बाद से सुबह 8:30 बजे उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बार उनको बचाने की जो भरपूर कोशिश की जानी चाहिए थी वो की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, लेकिन कोरोना के कहर की बात की जाए तो निश्चित तौर पे उनका भी नाम इसमें जरूर जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना ने कई ऐसे दिग्गजों, कई ऐसे समाजसेवियों और कई बड़े लोगों की जान ले ली थी। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का भी इसी रूप में जाना कहीं ना कहीं कोरोना का कहर माना जा रहा है। जी राकेश, उन्होंने राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया था, तो उनके जाने से सबसे ज्यादा क्षति किसको होगी?
देखिए राज्य गठन के समय उनका आंदोलन था, गुरुजी जो शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन के पिता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर राज्य अलग में आंदोलन किया था। साथ ही साथ जो राज्य के गंभीर मुद्दे थे, खास करके राज्य के रोजगार को लेकर के, खास करके स्थानीय नीति को लेकर के और बाकी जो मुद्दे जिसको लेकर राज्य में अभी तक आंदोलन चल ही रहा है, इन सारे मुद्दों पे वे मुखरता के साथ अपनी पार्टी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे या समाज के स्तर पे लगातार चर्चा करते थे, मुखरता से बातचीत करते थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो उनकी एक इच्छा थी, जो कई चीजें पूरी नहीं हो पाई अब तक, उसमें वे बड़ी भूमिका निभा सकते थे, जो शायद उनको खलेगा और समाज को भी खलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि ओमेसी एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। कौशाम्बी के लिए रवाना हुए गृहमंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि कौशाम्बी में आज गृहमंत्री अमित शाह का ओमेसी एयरपोर्ट पहुंचे, ओमेसी एयरपोर्ट पहुंचे के गृहमंत्री अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पे हुआ भव्य स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। शुक्रवार को पहले एन किरण रेड्डी पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। रेड्डी परिवार की 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही है। इनके पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार विधायक रहे और मंत्री भी किरण भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे। उन्होंने कहा कि नेता के साथ साथ वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी रहे। पूर्व सीएम एन किरण रेड्डी ने बीजेपी में शामिल हुए, इस दौरान प्रहलाद जोशी ने उनको सदस्यता दिलाई। मुंबई के मठ इलाके में समुद्र किनारे पर बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने शुक्रवार की सुबह बुलडोजर चला दिया। इस मामले की शिकायत बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरण सोमैया ने की थी। सोमैया ने आरोप भी लगाया था कि अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री असलम शेख की शह पर बनाए गए थे। सोमैया के आरोप के अनुसार ये अवैध स्टूडियो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की कीमत के हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई स्थित मठ के जिन अवैध स्टूडियो पर कार्रवाई की गई है, उन स्टूडियो में रामसेतु, आदि पुरुष जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। वहीं कौशाम्बी में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी का दौरा है, आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय सांसद। खेल स्पर्धा के विजयी खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र इस मंच के माध्यम से वितरित किया जाना है। मैं पुनः बहुत ही आदर के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन विजयी खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र अपने शुभ कर कमलों से दें और खिलाड़ी कृपया शीघ्रता से नाम सुनकर अपना मंच पर आए। सर्वप्रथम वॉलीबॉल बालक श्रेणी से श्री मोहम्मद मुस्तकिम कुंडा, आप विजेता है। और आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित होनी चाहिए हमारे इन सभी विजेता खिलाड़ियों के लिए। वॉलीबॉल बालक मोहम्मद मुस्तकिम कुंडा, जोरदार तालियां आपके लिए। बालकों की श्रेणी में वॉलीबॉल मंचनपुर से, बालिकाओं की श्रेणी वॉलीबॉल कुमारी प्रियांका,
सभी जोरदार जोरदार तालियों के माध्यम से इन सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। कबड्डी बालिकाओं की श्रेणी से कुमारी साक्षी देवी निवासा बालकों की श्रेणी से खो खो में श्री अभिषेक कुमार आपकी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए उत्साहवर्धन के लिए। मंचनपुर से खो खो बालिका श्रेणी में कुमारी दर्शन शिवापुर से एथलेटिक्स बालकों की श्रेणी में 100 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बेस्ट प्लेयर श्री कलीम अहमद आपको बता दूं माननीय कि 100 मीटर में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है, आपको बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी मिल रही है। एथलेटिक्स बालिकाओं में कुमारी पूजा राजपूत मंचनपुर से आपको भी 100 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी दी जा रही है। आप सभी अपनी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचा सकते हैं। बालकों की श्रेणी में बॉक्सिंग में बेस्ट बॉक्सर श्री शिवकांत मंचनपुर से और कुश्ती में बालकों की श्रेणी में मंचनपुर से बेस्ट रेसलर श्री आदेश राणा जोरदार तालियां आपके लिए। और इसके बाद कौशाम्बी खेल रत्न सम्मान जाता है कुमारी सुनीता देवी जी को मंचनपुर से हमारे बीच में है। सुनीता देवी जी ने दुबई में आयोजित यूथ एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है। आप सभी अपनी बेटी के लिए जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।